भाई कुछ लोग जो है ना अपनी औकात से बाहर उड़ते हैं और बहुत ही अलग तरह से पोर्ट्रे करते हैं। वैसा बंदा बिग बॉस के हर सीजन में कोई एक तो मिल ही जाता है। इस बार एक बंदी मिल चुकी है। मैं आकांक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो देखा जाए तो शो घोल के आई है और कैसे खुद को रखना है वो समझ करके आई है, स्क्रिप्टेड है। इसके अलावा एक बंदी है जिसका नाम है बेबिका, और ये मैडम बात बात पे कहती है ये मेरा तो खानदानी पेशा है, मैं खानदान की जो है लेगेसी आगे लेकर के जाऊंगी। अरे तुम लोगों को क्या पता मैं चीज क्या हूँ। भाई क्या है ये बंदी, क्यों है? मतलब ये बंदी फुकरा इंसान को बोल रही होती कि बाहर आकर के थप्पड़ मारूंगी। भाई कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रही है। मतलब ये बंदी पूरे शो में ये लेकर चल रही है कि मुझे बार बार हाई होना है, हाई होते ही कैमरा मेरे तरफ में आएगा, पब्लिक को लड़ाई जैसा फील होगा कि लड़ाई हो रहा है, और उसके बाद से लोगों को जो है एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, क्योंकि ये जो करने के चक्कर में जो अपने कैरेक्टर को बना रही है ना वो बहुत ही हॉरिबल हो रहा है। और ये बंदी जो है जब जेल में चली गई, जेल के अंदर में जाने के बाद बिग बॉस ने टास्क दिया कि अगर आप सही फेस रीडिंग कर पाती हो तो आप जेल से रिहा हो सकती हो। भाई बिग बॉस भी अलग लेवल पे खेलता है, जानबूझ करके ऐसी चीजों को डालता है जिसका रिजल्ट उसको पता है कि क्या होने वाला है, कैसा नेगेटिव जाएगा, और उसके ऐसे घर के अंदर में एक बवाल लेकर के आएगा। मैडम ने यही किया। जैसे फेस रीडिंग की बात आई, वो फेस रीडिंग पूरी तरह से फेक थी। वो मैडम जो है सिर्फ दो जन को अच्छा बोली, एक उसकी दोस्त मनीषा रानी, दूसरी पूजा भट्ट, क्योंकि उससे पंगा कोई नहीं लेना चाहता। सबको पता है इस शो से अगर निकले, अच्छी अगर बन गई, तो इनके जो भट्ट फैमिली है, भट्ट कैंप जो है, वो नए चेहरे को बहुत ज्यादा मौका देती है, और कैसे भी करके एक लीड रोल तो मिल ही जाएगा ना, भले से ऐसा हो या वैसा हो। देखो जो मैं फील कर रहा हूँ वही हो रहा है। बिग बॉस के घर में हमेशा जब भी ऐसी कोई पर्सनालिटी आती है तो ऐसी पर्सनालिटी से पूरा का पूरा घर बना के रखता है। जैसे कि शिव लास्ट सीजन में साजिद खान के साथ में सर 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 करके बना के रखा था, यहाँ पे पूजा भट्ट के साथ में ये बंदी यही की। और उनके बारे में आप अटैच्ड हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा 100% दे देते हो। बाकी के तीन लोगों ने क्या गुनाह किया था भाई? फुकरा इंसान को जो वो बोल रही थी वो फेस रीडिंग नहीं था, उसके साथ में लड़ रही थी, ये पूरी दुनिया देख सकती है। फेस रीडिंग किस एंगल से रख रहा है? जिया शंकर जो थी वो मैडम भी जो है देखा जाए उसके साथ में चली गई कि हाँ इससे मुल्क के कोई फायदा नहीं है, तो अपना बोल ले, हो गया तेरा, चल निकल। द एपिक वॉज फुकरा इंसान कहता है कि मेरे को हाथ लगा के देखा, हाथ काट के रख दूंगा, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना तेरी 36 पुश्ते जो है यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, तेरे को 36 जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। तो भाई ये वाला जो है ना बहुत एपिक था, पूरा घर क्लैप करने लग गई। यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मैडम जो है किस लेवल पे फेक गिरी कर रही है। और आयरनी देखो, इस मैडम को पूरे घर के अंदर में ये लगता है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ना, इसके वजह से लोग मुझसे लड़ते, मुझे निकालना चाहते, इतना डर गए मुझे शो से ही निकाल रहे। भाई ये मैडम जो है ना पुनीत का पूरा आत्मा लेके सच्ची में बैठ गई है। इस बंदी को लगता है कि पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है, पूरी दुनिया इसको देखने के लिए मरी जा रही है। भाई जो एटीट्यूड था जेल से निकलने के बाद, पांव पटक पटक के, भाई ये चीज एंटरटेनमेंट तो बहुत देने वाली है, लेकिन सिखाने वाली बहुत है कि भाई ऐसे लोगों से बच के रहने का और ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देने का, क्योंकि तुम जितना भाव देगे इनको लगेगा मैं हूँ, मेरे ही बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, और मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, आई एम द बिगेस्ट सुपरस्टार, लाइक पुनीत सुपरस्टार। भाई साहब बाहर जाने के बाद भी चालू ही है, खेल खेला मेरे सारे, सबको डर था, जो मैं कर रहा था ना बिग बॉस जीत के चला जाता, बिग बॉस वालों ने जो है साजिश करके निकाला। सो दैट वाज माय ओपिनियन, दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन फॉर दिस बेबी का। आप बताओ आपका क्या राय है इनके लिए, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और ऐसे और डिस्कशन गॉसिप्स और रिव्यू के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।